उत्तर प्रदेश के बहराइच में अखबार में नौकरी का विज्ञापन निकलवाकर लोगों को अस्पताल में फर्जी नौकरी देने के मामले के आरोपी को बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि 22 जून को राजन बाबू पुत्र स्वर्गीय खेमकरण निवासी गांव मीरपुर कस्बा सालारगंज थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच द्वारा कोतवाली देहात बहराइच में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि यहां पर अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित संविदा पर नौकरी दिए जाने के विज्ञापन को देखकर राजन बाबू और अन्य कई व्यक्ति अवधेश कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति ने संपर्क किए, जिसने अपने को WHO उत्तर प्रदेश का अधिकारी बताया और उसने जिला अस्पताल बहराइच में वार्ड व्यय पर कई रुपए प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति दिलाने की बात की। राजन बाबू आदि व्यक्ति अवधेश कुमार मिश्रा से लक्ष्मी रिसोर्ट कोतवाली देहात बहराइच में मिले, जिसमें नियुक्त कराने के नाम पर पैसे लिए और उनमें से कई लोगों को कुटचित नियुक्ति पत्र भी दिए गए। मामले का बहराइच एसपी ने तत्काल संज्ञान लिया है और अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए कोतवाली देहात व साइबर थाने को सख्त निर्देश दिए थे, जिस पर बहराइच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस सेल की मदद से अभियुक्त अवधेश मिश्रा पुत्र गया प्रसाद मिश्रा निवासी सतनामी पूर्वा कस्बा बाबागंज थाना धानीपुर जनपद गोंडा चितौरा मोहन गोंडा बहराइच मार्ग से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया। देखिए, साइबर थाना प्रभारी के द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अवधेश कुमार मिश्रा है। ये जिला चिकित्सालय के वार्ड बॉय की नियुक्ति के लिए फर्जी लोगों का आदेश देता था और जिसकी जितनी क्षमता होती थी उससे पैसा लेता था। इसमें इसके पहले आपराधिक इतिहास है, कोतवाली देहात में 2 और पुलिस के साथ आपराधिक इतिहास है, जिसके खिलाफ इसका मुकदमा पंजीकृत है विभिन्न जनपदों में। और ये लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेकर के फर्जी के नियुक्ति पत्र देता था। करीब 15 लोग अब तक अपना ये टारगेट बना चुका है, जो पैसा लेकर के नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। ये खुद क्या करता है? नहीं, ये किसी पद पे नहीं है, फ्रॉड आदमी है और फ्रॉड करता था। इस तरीके से कितने रुपए गेन किया होगा? अभी विवेचना कोर्ट है, इसको हम और जांच करेंगे। अब तक इसने किसने कितने इस तरह कितने लोगों से पैसा लिया हुआ, कितनी अवैध संपत्ति बनाया हुआ। सर, आवाम से क्या कहेंगे इस व्यक्ति? अकेला है, अकेले इसने किया है। और देखिए, हमारी लोगों से अनुरोध है कि इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं, इनसे इनके चंगुल में ना फंसे। किसी को पैसा लेकर के नौकरी दिलाना इतना आसान नहीं है कि किसी कोई पैसा लेकर के नौकरी दिला देगा। और इनके ऐसे फ्रॉड लोगों से चंगुल से बचे और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं। क्या-क्या बरामदगी हुई? क्या क्या बरामदगी? इससे नियुक्ति पत्र को बरामद हुआ है, जो बना करके लोगों को देता था।